बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम श्योर यू आर फाइन एट होम। क्लास 7, दिस इज योर मैथमेटिक्स लेक्चर एंड अगेन वी आर डूइंग हियर चैप्टर 3 एंड द टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। टुडे जो हमारा टास्क आपको होमवर्क का मिलने वाला है, टास्क 4 है, वो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की, और उसमें 3 और 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, और दोनों के ए पार्ट आपको अपनी कॉपी 1 पे सॉल्व करनी है एज पर यू हैव टू क्लियर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लियर किया जा चुका है, मिस्टर बाब ने आपको बता दिया था कि आपने ये जो टास्क है ये सिर्फ आपने कॉपी 1 पे सबमिट कराना है, सॉरी कॉपी 1 पे सॉल्व करके, और आपने थर्सडे को सबमिट करानी है कॉपी, ये आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा चुका है। उसके बाद का जो आपको फ्राइडे का लेक्चर जाएगा उसमें आपने वो काम कॉपी 2 पे करना है, और नेक्स्ट फ्राइडे तक, नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपके जितने लेक्चर हो जाएंगे उनके टास्क आपने उस पर करने होते हैं। आपने क्लास वर्क सबमिट नहीं कराना, क्लास वर्क आपने सिर्फ और सिर्फ ने प्रैक्टिस कॉपी पे, कोई भी रफ रजिस्टर, कोई प्रीवियस ईयर की कॉपीज आपके पास पड़ी हैं उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और उसमें आपने उनको सॉल्व करना है जो मैं आपको अब ये क्लास वर्क आज चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एंड डी पार्ट, 4 का भी बी और डी पार्ट करेंगे। टुडे अगेन फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आर दी, ये होते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट वैल्यू स्केयर की होती है, दूसरी सिंपल होती है, और उसके बाद लास्ट वैल्यू होती है उसमें कांस्टेंट आता है। बाज़ दफ़ा फर्स्ट वैल्यू पे भी कांस्टेंट होता है, जब हो तो हम उसको फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को आपने बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 56 बी स्क्वेयर। अब आप इसके ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको आप प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस 15 आ जाए, और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 56 बी स्क्वेयर आ जाए। 8 7 56 होता है, 8 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास माइनस 15 आता है, और माइनस 8 और माइनस 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 15 भी आएगा, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 और माइनस 8 को तो प्लस 56 बी स्क्वेयर आता है। ठीक है, सो दीज आर दी फैक्टराइजेशन, दीज फैक्टर्स। अब आप इससे आप कॉमन निकाल लेंगे, जो हमारा कॉमन निकलेगा, कॉमन का मतलब होता है जो सेम होती है दोनों में वैल्यू, यहाँ पे बी स्केयर है और यहाँ पे बी है, सो बी स्केयर से हम बी को बाहर निकाल सकते हैं और एक सिंगल बी हमारे पास अंदर बचेगा वापस। माइनस 8, यहाँ पे बी बाहर हो गया एंड 8 इज लेफ्ट। माइनस 7, अब हम यहाँ से 7, यहाँ b है यहाँ b नहीं है, तो सिर्फ हम एक कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर ऐसा हो जो दोनों पे डिवाइड हो जाए, तो माइनस 7 इज द सेम कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है, b माइनस 8 अंदर आ जाएगा एंड b माइनस 7 एंड b माइनस 8। ओके, और ये आपका टास्क है जो आपने अपनी कॉपी 1 पे ही सॉल्व करनी है अभी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में आपके पास है माइनस 45 डी स्केयर। माइनस 45 के हमने कैसे फैक्टर्स करने हैं, माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में माइनस 12 आता है। बड़ी वैल्यू से माइनस, छोटी के साथ प्लस का साइन है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस का साइन होता है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45 डी स्केयर आएगा, और जब प्लस माइनस करते हैं तो माइनस 12 दिया। ठीक है, ये आपको एक रफ वर्क सामने शो करना होता है क्वेश्चन के सामने। ठीक है, अब आपने इसके ये टू फैक्टर्स बनाए, माइनस 15d प्लस 3d। हाँ जी, इसमें से हम d कॉमन निकालते हैं, d माइनस 15 देन हेयर प्लस 3 से d माइनस 15,
सो डी प्लस 3 एंड डी माइनस 15 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी एंड डी. पहले बी पार्ट आप देखिए, फर्स्ट वैल्यू पे एक वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे. 14 3 इज अ 42 एंड माइनस 42 एट स्क्वेयर. अब माइनस 42 एट स्क्वेयर के लिए हमारे पास क्या फैक्टर्स होने चाहिए और उनको प्लस माइनस करने से माइनस 19 एच आना चाहिए. 21 टू जा सिंपल माइनस 21 प्लस 2 आंसर में आ गया माइनस 19 एच. ठीक है, अब फिर वही यहाँ से कॉमन लेंगे और ये हमारे पास आंसर आ गया. देन हेयर डी पार्ट, अब क्वेश्चन 4 का डी पार्ट आ गया. यहाँ पे आपको ये 18 है, 39 है, देन अगेन 18. अब यहाँ जब इस पोजीशन में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आता है तो यहाँ हमें देखना होता है कि हमने कुछ कॉमन निकालना है. अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर मल्टीपल हो जो सबका, जो ऑल थ्री वैल्यूज से कॉमन हम ले सकें, जो तीनों पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कोई भी ऐसा नंबर हम सेलेक्ट करते हैं, अगर हमारे पास हो तो हम उसे बाहर कॉमन में निकाल लेते हैं और इन सबको उससे डिवाइड कर देते हैं. 6 18 18 आके 6 पे, ठीक है, एंड एन स्क्वेयर एज इट इज. 39 को 3 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, ठीक है, 13 3 जा. देन अगेन 6 जा. अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. अब हम इस 3 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ये तो हमारा कॉमन निकल गया. अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें हमने इसके पार्ट्स करने हैं. 6 6 जा 36 एम स्क्वेयर. 36 एम स्क्वेयर के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस 13 एम आ जाए. तो माइनस 13 एम के लिए हमने इसको इस तरह से 9 4 का 36, ठीक है, और 9 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं, माइनस 9 एंड माइनस 4 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 13. ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा. सो हेयर 3 कॉमन का था, 3m कॉमन आ जाएगा. 6m माइनस, यहाँ से 3m कॉमन ले लिया, 2m माइनस 3 एंड माइनस हेयर एंड 2m माइनस 3, यहाँ भी माइनस आएगा. ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा और यहाँ भी माइनस का आएगा, तभी हमारे पास माइनस 13m आएगा. और जब ये माइनस का साइन बाहर आएगा तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज होगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा. सो यहाँ भी माइनस होगा हमारे पास, ठीक है, 3m माइनस 2 एंड 2m माइनस 3. ओके, दिस विल बी द आंसर. आपने यहाँ पे साइन चेंज करना है, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, एज बिकॉज यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस, ये हमसे एक आज मिस्टेक हुई है. और चलिए इसको हम एंड करते हैं. ये हमारा टास्क है आज का, क्वेश्चन 3 का ये पार्ट, क्वेश्चन 4 का ये पार्ट. आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर. थैंक यू.